हेलो फ्रेंड्स, आप हम जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी, ठग लाइव, योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइव, बाबा इज बैक। तो यह है योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइव फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ठग लाइव, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले देख लेते हैं ये ठग लाइव, एंजॉय करते हैं और उसके बाद हम बात करें। अगर एक महीने के लिए योगी जी को पीएम बना दिया जाए तो दूसरे दिन ये जंटू इस्तीफा देगा, बाजू अपना बोरे बिस्तर समेट कर चाइना भाग जाएगा और हमारे यहाँ के वामपंथी लोग पकौड़ी की रेडी लगाना स्टार्ट कर देंगे। और भाई लोग कैसे हो? आज का ये वीडियो देखकर सारे वामपंथी लोग यही बोलेंगे, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक बात बताऊं मैं, और आप भी सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा, सत्ता तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। सत्ता तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। ये लाइन योगी जी ने किसके लिए बोली, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मुझे भी पता चले। कभी कभी तो मुझे लगता है योगी जी फ्लैशमैन से भी फास्ट है। सरकार ने जिन 52 ऐप को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, योगी जी ने उन पे अमल करना स्टार्ट भी कर दिया है। अब यूपी के गवर्नमेंट सर्वेंट ये 52 ऐप को अपने मोबाइल में रख ही नहीं सकते, ना यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ योगी जी फ्लैशमैन से भी फास्ट है, या सरकार सोच ही रही है और योगी जी ने यह स्टार्ट भी कर दिया काम। अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप। अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप। योगी जी का स्वैग लेवल देखा भाइयों, विपक्ष के सांसद को चुप ही करवा दिया। कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है, जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब दो दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने तो कहा कि हमने किया है, नहीं हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे, अभी और भी बदलेंगे, जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे। मुझे लगता है जब योगी जी पीएम बनेंगे तो इसका भी नामकरण कर डालेंगे। जब मोदी जी ने यूपी का सीएम योगी जी को चुना था तब पूरा विपक्ष यही चिल्ला रहा था, एक साधु यूपी कैसे चलाएगा, भगवादारी यूपी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज उसी भगवादारी ने साबित कर दिया कि यूपी को कैसे चलाया जाता है और कैसे चलाना है। हद तो तब हो गई, मैंने पाकिस्तान के ट्रेंडिंग पेज पे ये देखा, इमरान से अच्छा योगी है। आप कोई और सीट बताइए जहाँ से आप चुनाव जीत सकते हैं, गोरखपुर से निकलकर कहीं भी उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर कहीं भी आप कहें तो हैदराबाद से चुनाव लड़के जीत सकता हूँ। पहले उत्तर प्रदेश की छवि इस टाइप की थी कि वहाँ दंगाई बहुत रहते हैं, दंगे बहुत होते हैं, कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल राज है। आज उसी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने साबित करके दिखाया है कि कानून राज कैसे लागू किया जाता है और दंगाइयों से कैसे निपटा जाता है। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें, आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास, ये क्या बात। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तेरा बाप आया। आप कितने भी बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, 30 मार खा किसके लिए बोला है आपको पता चल जाएगा अभी। आप कितने भी बड़े 30 मार खा क्यों ना हो, लेकिन योगी जी से पंगा नहीं लेने का। भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। I am not bad, I am brutal, my baby. और भाई लोग, वीडियो में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन बताइए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो तो बहुत बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ा स्वैग मेरे को लगा इसमें, सबसे बड़ा बेस्ट मोमेंट लगा, बात लगी तो ये कि पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पे ही लिखा था कि इमरान से अच्छे तो योगी है।
और मतलब योगी जी क्या ना बेबाक बोलते हैं, धड़ल्ले से बोल देते हैं। दूसरी बात है, योगी जी ने जहां जहां के नाम चेंज किए, वो नाम पहले रखे हुए थे, मुगल के राज में रखे हुए थे, वो नाम चेंज किए हैं फ्रेंड्स। लेकिन मीडिया ये सवाल पूछ के क्या साबित करना चाहती है पता नहीं है, और क्या हम लोगों को तक पहुंचाना चाहती है पता नहीं। अभी के नाम नहीं रखे गए हैं, ये पहले के नाम जो रखे गए थे मुगल के टाइम पे, जो नाम रखे गए थे वो सब नाम अब जो योगी जी है वो चेंज कर दिए है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है कि बस ये कि थोड़ा योगी जी मतलब जो होता है वो मतलब सामने सामने ही बोल, तो योगी जी है ना फ्रेंड्स आक्रामक राजनीति करते हैं और आक्रामक मतलब बोलते हैं, जो है वो धड़ल्ले से बोल देते हैं फ्रेंड्स। और योगी जी की देखो ये एक बात से, और योगी जी ने एक बात कही कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। आइए बात एक सही है और किसके बारे में कहा है, बाय बाय टाटा खत्म, समझ गए ना। तो ये और ये बात एक सही है फ्रेंड्स कि आपको मतलब ये जो बुद्धि है ना वो तो जन्म से आती है फ्रेंड्स, आपका टैलेंट आपकी बुद्धि जन्म से आती है। हो सकता है कि आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल जाए तो वो आपके बाप दादा की हो सकती है, पहले की हो सकती है, लेकिन ये बात सही है टैलेंट और बुद्धि जो है ना वो तो फ्रेंड्स जन्म से आती है, वो जन्म के पहले रखी हुई विरासत से नहीं होती है फ्रेंड, तो विरासत मिल सकती है। ये योगी जी ने बहुत अच्छी बात की फिर, और ऑल ओवर वीडियो छोटी सी थी लेकिन अच्छी थी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अब मिलते हैं फ्रेंड्स ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।